इस वक्त मैं राजीव चौक इलाके में मौजूद हूँ और मूसलाधार बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। और जो सुबह से बारिश जारी थी उसके बाद से देख लीजिए किस तरह के हालात हैं शहर के। ये राजीव चौक से लगते इलाकों का हाल है। ये जो मेरे दाएं तरफ है ये ताऊ देवीलाल स्टेडियम है और ताऊ देवीलाल स्टेडियम से जो जुड़ी सर्विस लेन है और सर्विस लेन का जो नज़ारा है वो काफ़ी आपको परेशान कर देने वाला, हैरान कर देने वाला इलाका है कि लगातार जो सुबह से बारिश थी, मूसलाधार बारिश का दौर जारी था, उसके बाद से शहर के तमाम हिस्सों में भारी जलभराव की स्थिति है। हालांकि जिला उपायुक्त ने जिस तरह के दावे किए थे कि मूसलाधार बारिश के दौरान आप नोडल अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, जीएमडी के अधिकारी, तमाम ऐसे इलाकों में जो 120 जगह चिन्हित की गई थी, जलभराव जैसी जगह चिन्हित की गई थी, वहां पे मौके पर मौजूद मिलेंगे, लेकिन ऐसी कोई स्थिति पूरे शहर में कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। राजीव चौक इलाके की सर्विस लेन में इस तरफ आप देख सकते हैं कि हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पानी निकालने की व्यवस्था के लिए ज़रूर लगाया गया है, लेकिन जो स्थिति है अभी भी विस्फोटक बनी हुई है। ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं, दूर तक आपको सिर्फ बाढ़ जैसे हालात नज़र आएंगे। गुरुग्राम अब जलग्राम बन चुका है और तमाम जो प्रशासनिक दावे थे कहीं ना कहीं इस बारिश के पानी में तैरते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा ज़रूर मेरे साथ थोड़ा सा आगे आए और आगे चल के दिखाएँ आपको कि इस तरह की स्थिति, ये जो स्थिति थी पहले ही मौसम विभाग ने चेताया था कि 2 दिन का येलो अलर्ट है। जिला प्रशासन के तमाम जो अधिकारी थे वो बैठकों का दौर जरूर करते हैं, बैठक जरूर करते हैं कि किस तरह से निपटा जाएगा वाटर लॉगिंग जैसी समस्या से, लेकिन आप अभी भी देख सकते हैं 2.5 से 3 फीट पानी इस सर्विस लेन में है जो कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को यहाँ पे ज़रूर लगाया गया है और आप देख सकते हैं कि दूर तक जो पानी है, पानी की स्थिति आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस कदर जल भराव जैसी भारी स्थिति का सामना साइबर सिटी के वासियों को ज़रूर करना पड़ रहा है। हालांकि संडे की छुट्टी है, कहीं कोई जाम जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वाहन चालक जो अभी गुजर रहे हैं अपने परिवारों के साथ, आप देख सकते हैं कि उनको ज़रूर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये जो स्थिति है वो लगातार सुबह से बनी हुई है। मूसलाधार बारिश सुबह से जारी थी और इस बारिश के बाद आप देख सकते हैं कि किस कदर के हालात राजीव चौक और उससे लगती सर्विस लाइन इलाके में मौजूद है, आप साफ तौर से देख सकते हैं। इससे आगे जो इलाके हैं वो भी ऐसे ही जलमग्न बताए जा रहे हैं और मूसलाधार बारिश का दौर अभी भी जारी है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम।